सुकमा जिले के बुर्कापाल में 2017 में एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें सीआरपीएफ 74 बटालियन के जवान जब सड़क को सुरक्षा देने निकले थे तो बुर्कापाल गांव के नज़दीक उन पर एक बड़ा हमला हुआ था माओवादियों के द्वारा, जिसमें 25 जवान शहीद हो गए थे। और 25 जवान शहीद हुए उसके बाद आसपास के कई गाँव वालों के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने माओवादियों का सहयोग किया और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। आज ये लोग रिहा हो गए, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल जब 2017 में ये घटना हुई तो 25 जवान शहीद हुए, घटना दुखद थी, लेकिन उसके बाद पुलिस ने अपने हिसाब से जो जांच किया उसमें उन्होंने आसपास के 6 गांव के ग्रामीणों को इसमें आरोपी बनाते हुए लगभग 120 लोगों की गिरफ्तारी की और 120 लोग 5 साल से जेल में थे। 5 साल में जेल में रहने में एक खास बात ये थी कि 3 साल तक इस मामले में कोई सुनवाई ही नहीं हुई। 3 साल के बाद जब सुनवाई शुरू हुई तो आज 2022 में इन सभी 105 लोगों को उसमें से रिहा किया गया है। 15 लोगों की जानकारी अभी कोर्ट के आदेश मेरे पास नहीं आया है तो उसकी पूरी जानकारी नहीं है। इनसे बातचीत करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? पदम बुस्का। कहाँ के पदम दादा? सिंता गुपताना करीगुंडम गांव। करीगुंडम के हो? करीगुंडम तो पता है, मैं गया हूँ। तो ये बोल रहा था कि आप लोगों को किस केस में जेल में डाला गया था? वही बुर्कापाल वाला 25 जवान मर गया उसी में। तो आप उस दिन कहाँ थे? आप घर में सोए थे हम लोग करीगुंडम। हाँ जी, रात में सोए थे, घर वाले मन सब बजर आए हैं। तो आए के बाद पूरा 4 बजे जाके घेर लिए गांव को, पकड़ लिए। कितने आपके गांव से कितने लोगों को गिरफ्तार किए? हमारा एक फारा है बुगल फारा, उसमें हम 4 जन हैं, हम 2 भाई यार 2 जन हैं। तो ये 4 लोग को क्यों गिरफ्तार किए जब आप लोग थे? कभी संगठन से जुड़े थे आप लोग? हाँ नहीं थे सर, हम लोग उसमें कोई नहीं। तो अभी कितना पैसा लग गया ये छूटने में? क्या पता, घर वाले मुझे जानेंगे हमको। अच्छा, नहीं आप लोगों को पता ही नहीं? घर वालों से मुलाकात होता था? हाँ आते थे मुलाकात होती थी जी। अभी जाओगे, क्या लग रहा है कितना बदल गया है पूरा घर का स्थिति? क्या पता क्या हो गया घर वाले। शादी हुआ है आपका? हो गया था सर। बच्चे अच्छे हैं? नहीं थे। बच्चे नहीं है? दोनों भाई का बच्चे नहीं, दोनों भाई जेल में है, घर में कोई नहीं। ये आप? अच्छा, आप भी जी? आपकी शादी हुई है क्या? हो गया था सर। अच्छा, और आपके बच्चे हैं? नहीं है सर। आपके बच्चे नहीं? नहीं है। क्या काम करते हो आप लोग? हम लोग खेती बाड़ी करते थे सर। खेती बाड़ी? आपका क्या नाम है दादा? खेती भी थे है? खेती है। कौन से गांव के हो? करीगुंडम। हिंदी आता है? हिंदी है। हिंदी कहाँ, जेल में सीखे? जेल। पहले हिंदी आता था? पहले नहीं, अब हिंदी आता है। तो आप नक्सली थे क्या? थे कि नहीं थे? नहीं थे तभी तो छूट गए ना। तो कैसे आपको जेल में फिर डाल दिए, मतलब बुर्कापाल हमला? बुर्कापाल गांव गए हो कभी? कैसे नहीं? अच्छा, हिंदी ठीक से नहीं सीख पाए? 5 साल में बहुत लोग हिंदी सीख गए। दादा आपका क्या नाम है? माड़ी बंगा सर। कौन से गांव के हो? करीगुंडम गांव। आप भी करीगुंडम के हो? हाँ। तो उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन हमला हुआ था? घर में सर। घर में थे? और इस हमले में थे? नहीं थे। नहीं थे सर। 5 साल में क्या लग रहा दादा, कितना बदल गया होगा? क्या मालूम सर, हम देखे नहीं, अभी जाने के बाद पता चलेगा सर गांव में क्या हो गया। अच्छा, ये जो आप लोग नक्सली थे नहीं, हमले में थे नहीं, 5 साल आप लोगों का जिंदगी का बर्बाद हो गया सर, ये कैसे भरपाई होगा? क्या लगता है कितना नुकसान हो जाता है ऐसे गाँव वालों के साथ होता जी सर? क्या सोचते हो इसको लेके? क्या सोचेंगे सर? कुछ नहीं सोचते। 5 साल बर्बाद हो गया जिंदगी बर्बाद। शादी हुआ है आपका? शादी हो गया सर। बच्चे हैं? बच्चे नहीं सर। बच्चे नहीं है? नहीं। आपका क्या नाम दादा? करीगुंडम के सर। नाम क्या है? मरकम राजा। आपको भी 5 साल से जेल में थे? 5 साल। अच्छा, तो घर में कितने लोग हैं आपके? एक भाई है। वो कहाँ है? घर में रहते। वो जेल नहीं आए? नहीं आए सर। कहाँ से उठाए आपको पुलिस वाले? घर में से। घर से उठाए? हाँ, घर से उठा के लाए। अच्छा ठीक है। यहाँ पे कुछ परिजन जो हैं सुबह से थे, ये भैया मैं देख रहा था सुबह से यहीं पे थे ना दादा? क्या नाम है आपका? हिरमा राम हेमला। कहाँ है गांव आपका? नाड़े। आपके कोई रिश्तेदार थे जेल में? मेरे जीजा। आपके जीजा? हाँ। आप सुबह से यहाँ इंतजार कर रहे हो? हाँ। क्या तो आपके जीजा क्या नक्सली थे कि नहीं थे? नहीं थे। तो अब 5 साल में कितना परेशान हुए आप लोग परिवार वाले? आते जाते तो रहता रहा, मतलब थोड़ा मोड़ा सामान पहुँचाता था। बाकी तो पैसा ऐसा कहाँ से लाते थे? पैसा वैसा इधर उधर करके कुछ भी करके, मतलब थोड़ा बहुत तो खर्च किए, वैसा नहीं। कितना पैसा खर्चा किए होगी? लगभग 30-40 हज़ार। 30-40 हज़ार? और 5 साल पूरा बर्बाद हो गया जिंदगी का। तो क्या लगता है दादा, गांव में ऐसा कितने लोग के साथ ऐसा स्थिति रहता है कि नक्सली नहीं रहते लेकिन केस में डाल देते हैं जेल में? वो तो डालते हैं, अब मेरी बस की बात नहीं है, मैं क्या बोलूँगा।
बस यही दिक्कत है कि आपकी बस की बात नहीं है, आप क्या बोलोगे इस तरह से। यहाँ और भी लोग हैं, और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। 105 लोगों की एक साथ रिहाई हुई है और ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है, और 120 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, ये भी बड़ा मामला है। दादा कौन से गांव के हो आप? हिंदी नहीं आता आपको? हिंदी आता है? बताओ, ये जो है 5 साल अपने जीवन का जेल काट के आए हैं और ये नक्सली थे, इनके ऊपर ये आरोप था। अब थे कि नहीं थे? नहीं हो, अगर नक्सली थे तो इनको 5 साल में क्यों सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया? और नक्सली क्या इतना मजबूत, इतना बुजुर्ग आदमी हो सकता है? ये सारे सवाल आपके मन में ज़रूर आएंगे। यहाँ मैं सुबह से था, मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों के परिजन जो हैं वो सुबह से ही यहाँ बैठे हुए थे। और ये एक दादा हैं, दादा आप भी यहाँ सुबह से खड़े हुए थे? आप सुबह से थे? कहाँ से आए हो आप? मैं इधर नहाड़ी का खड़ी वाला। आप जनपद सदस्य हैं वहाँ के ना? नहीं, मैं भूतपूर्व सरपंच। अच्छा, भूतपूर्व सरपंच हैं जी। आपका कौन था जेल में दादा? तो मेरा बहन दामाद था। आपकी बहन दामाद थे जी। तो कितना परेशान हुए होंगे परिवार वाले जब 5 साल जेल में थे? तो बहुत बहुत परेशान थे। अच्छा जी, तो क्या लगता है दादा कि बस्तर के अंदर में ऐसे कितने लोग और होंगे जो बेवजह जेल में होंगे? नक्सलियों से कोई मतलब नहीं, संबंध नहीं, लेकिन शंका के कारण। वो तो है ही है सर, वो तो बहुत लोग हैं। क्या परिस्थिति है गांव के अंदर? मतलब बहुत बुरा परिस्थिति है। बुरा तो है, वो नक्सली की प्रकरण में किसी को भी पकड़ दकड़ होते रहता है जी। तभी आप सरपंच नहीं हो ना? नहीं हूँ सर। ठीक है, आप ये आपके साथ आए कि जेल से? नहीं, जेल में थे। आप कौन से गांव के? बुरकापाल का। अच्छा, आप बुरकापाल के हो? ये बुरकापाल के हैं, उसी गांव के जहां पे हमला हुआ था। जिस दिन हमला हुआ था कहां थे आप उस दिन? घर में था। घर में थे? गोली का आवाज़ आवाज सुने थे? नहीं सुना। उतना गोली चला, 25 जवान शहीद हुए, आवाज़ नहीं सुने थे आप? नहीं सुना। कैसे? आवाज़ तो सुने होगे गोली का। हाँ, तो फिर नहीं सुने बोल रहे हो, जो है वो बताओ ना। तो गांव में थे आप जी? घर में थे जी। जब सुने गोली तो क्या किए? घर में अंदर छुप गए कि बाहर निकले? बाहर छुप गए, अंदर छुप गए। अंदर छुप गए जी। फिर पुलिस वाले कब उठा के ले गए आपको? एक महीना के बाद उठा के लाए। एक महीना के बाद उठा के लाए जी। पढ़ाई वढ़ाई किए हो? नहीं किया। नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़ा। तो हिंदी आता है आपको पहले से? हाँ, थोड़ा थोड़ा। जेल में सीखे? जेल में नहीं, बाहर से सीखा। अच्छा, बाहर से सीखे जी। शादी हो गया आपका? हो गया सर। बच्चे अच्छे? नहीं है। नहीं है? नहीं। मतलब अभी अभी शादी हुआ होगा और सीधे जेल? जी। मतलब शादी के बाद जैसे राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था बेवजह, वैसी बुरकापाल और आसपास के 6 गांव के 120 लोगों को बेवजह वनवास हो गया। क्यों? क्योंकि उनके इलाके में एक बड़ी घटना हुई। क्या लगता है भैया, आपके क्षेत्र में नक्सलियों का मूवमेंट रहता है तो उससे जो लोग नक्सलियों से संबंध नहीं है उनको भी ज़बरदस्ती पीसना पड़ता है क्या? ऐसे ही समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो ऐसा है कि जो लोग का संबंध नहीं है नक्सली से उनको भी जेल में डाल देते हैं जी? वैसे है सर। अब क्या करोगे जाके? क्या काम करते थे पहले? खेती। अब जाके फिर खेती करोगे जी? घर वालों का पैसा लगा होगा? लगा है। तो कैसे लिए? घर वाले से बात बात हुआ कभी? कर्जा बूढ़ी ले रहे हैं कि जमीन बेच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? सब बेच दिए, जमीन और बैल सब बेच दिए। अच्छा, जमीन और बैल बेच दिए जी आप लोगों का केस के लिए जी? अच्छा, तो अब मैं किस किस से बात करूं? 120 लोगों में से जो 115 लोग, 105 लोग छूटे हैं, हर 105 जो 5 लोग हैं उन सब की कहानी वही है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आप देखिए कि पाँच साल 120 लोगों को जेल में रखा गया इस शक के बिना पे कि ये सारे नक्सलियों से संबंधित हैं, और आज सबूत के अभाव में सारे रिहा कर दिए गए। समझो, एक सेकंड मेरे पास आ जाओ। क्या नाम है आपका? हेमला आयतू पिता। हेमला आयतू। हेमला, ये बताओ मेरे को कि ये जो 5 साल जेल में थे आप, तो आप किस गांव के हो? नक्सलियों से कोई संबंध था कि नहीं था? क्या था? नहीं साहब, ये पूरा नक्सली संबंध से नहीं है, लेकिन पूरा खेती बाड़ी काम करके जीने लोग को हम 2017 में बुरकापाल कांड में डाल दिया जेल में यही लपड़ा से। लेकिन यही काम करता हो, काम करता ही बिना जिसको बिना पूछा से भी डाल दिया। मेरे को भी ऐसे करके डाल दिया जेल में। पढ़ाई उड़ाई की हो? पढ़ाई उड़ाई कहाँ, बाकी किया है लेकिन बाकी नहीं किया, अनपढ़ लोग है। आप पढ़ाई की हो? मैं पढ़ाई किया हूँ 6वीं तक। और क्या करते थे जब जेल गए थे? अभी जेल में मैं कुछ नहीं किया। नहीं, जेल जाने से पहले क्या करते थे? खेती बाड़ी काम किया हूँ पहले से, बचपन से मेरा वही खेती बाड़ी काम। शादी हुआ है आपका? शादी मेरा हुआ सर। हो गया है? हो गया। बच्चे हैं? बच्ची नहीं है। अच्छा, माँ भी नहीं, खत्म हो गया। तो आपकी पत्नी अकेले हो गई? अकेले हो गया। अच्छा, भाई भाई कोई है? भाई भाई नहीं है।
कोई नहीं है। कितना ऐसे घटना में घर कितना बर्बाद हो गया होगा? बहुत बर्बाद हो गया साहब। उसको क्या बताऊंगा साहब, इतना 5 साल में जेल में है, अभी कैसा है कि कैसा नहीं है, बोल के आज तक घर वाले भी नहीं आया, पैसा नहीं है, कुछ नहीं, घर किराए के लिए। तो घर वाले कैसे कैसे आते रहेंगे, जब कभी बात हुआ, कभी मुलाकात हुआ? आता था साहब, कभी कभी आता था, एक महीने से आता था मुलाकात करने के लिए, लेकिन इनका जानकारी, घर का जानकारी नहीं है, कैसे करके ले जाना है, क्या करना है, बोल के उनको नहीं पता। आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है? नहीं है, अनपढ़। कैसे आती थी इतना दूर? आप कहाँ, जगरगुंडा के? जगरगुंडा से मेरे को सुकमा में पकड़ के लाया सर। तो जगरगुंडा से आपकी पत्नी आती कैसे थी, उसको हिंदी आता है? हिंदी आता नहीं आता, लेकिन वो पढ़े लिखा एक जन लड़का है, वो लाता था या मुलाकात। मेरा एक जन चाचा भी जेल में खत्म हो गया सर, उनका जानकारी जेल में, उसको भी बुरकापाल मामले में, बुरकापाल मामले में डोडी मंगलू पिता बक्का खत्म हो गया, उनका पैसा भी नहीं दे रहा, बोल रहा हूँ लेकिन 2000 आधार कार्ड भी होगा, यहाँ आधार कार्ड भी नहीं दे रहा। अच्छा, अभी कैसे करके जाना है कि मेरे को नहीं मालूम, आज बाहर छूट रहा हूँ लेकिन क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, नहीं मालूम है। तो अभी कैसे जाओगे घर, पैसा ऐसा रखे हो? पैसा नहीं है साहब, पैसा इसीलिए, पैसा के लिए तकलीफ हो गया। तो सबके पास पैसा है कि? नहीं है, जिसको पास 100 रुपया 150 इतनी होगा। तो यहाँ से तो सुकमा का किराया ही 200 रुपया है? हाँ, 200 रुपया। किराए का भी पैसा नहीं? नहीं। 5 साल जेल में थे तो काम वाम करते थे कि नहीं? करते थे। तो जेल में पैसा मिलता है क्या? नहीं नहीं देता, मिलता है तथा कि क्या है कि नहीं पता, लेकिन नहीं मालूम। ठीक है, तो ये आयतु हैं, और आयतु जैसे कुल 105 लोग हैं। आप चारों तरफ एक बार मुकेश कैमरा थोड़ा घुमा के दिखाएं कि सारे लोग जेल से अभी रिहा होकर निकले हैं, और मामला एक ही, बुरकापाल अटैक में संदेह कि इन सभी की संलिप्तता रही होगी। अब आप सोचिए कि 105 लोग जिन्हें नक्सली केस में 5 साल जेल में डाल दिया गया, और आज इन्हें सबूत के अभाव में छोड़ दिया जा रहा है, रिहा कर दिया जा रहा है। बस्तर में ऐसी कितनी गिरफ्तारियां होती हैं, आए दिन प्रतिदिन बताया जाता है कि फलाने केस में नक्सली था, ये फलाने केस में नक्सली था। अगर हर केस की काफ़ी बारीकी और सूक्ष्मता से जांच की जाए तो मुझे लगता है ऐसे सैकड़ों ग्रामीण जेल से बाहर चले आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ सबूत ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका संगठन से कोई वास्ता रहता ही नहीं, क्योंकि वो गाँव में रहते हैं, उस इलाके में नक्सली घूमते हैं, तो ऐसा लगता है कि संगठन से उनका वास्ता जरूर होगा। ये बस्तर की कहानी है, ये बड़ी कहानी है, ये बड़ा आंकड़ा है, इससे बहुत बड़ा आंकड़ा जेल में है, लेकिन हर किसी की फरियाद सुनेगा कौन। और आपको बता दूं, पूरे 115 लोगों की कहानी इतनी मार्मिक है जितनी मार्मिक आयतु की कहानी है। अगर आपको लगे यार मुद्दा बहुत भयंकर है, बहुत दर्दनाक है, बहुत दयनीय है, बस्तर के अंदर जो जी रहे हैं वो सिर्फ क्या इसीलिए जी रहे हैं कि मौत आ जाए उन्हें, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।